नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि सुधीर जगताप। अभी मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नॉन स्टॉप 127 घंटे डांस करके अपने देश का नाम दर्ज कराया है, और जो वो रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट डांस मैराथन वो अपने देश के नाम कराया है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और ये जो मेरा सपना था ये क्यों था, वैसे कि अब अपने देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अपने देश के प्रति और देश के लिए कुछ करना था, तो आप सबके आशीर्वाद की और आपके सबके प्यार की वजह से वो पूरा हो गया सपना। और ये जो रिकॉर्ड था वो पहले नेपाल देश के नाम था, और तो वो एक मन में ऐसी संकल्पना थी कि वो जो नेपाल देश के नाम है वो अपने देश के नाम होना चाहिए, और अपने देश की संस्कृति और जो गौरव गाथा है वो पूरे विश्व में दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। और ये रिकॉर्ड अभी पूरा हो गया, मैं इसमें सफल हो गई और अपनी कला के माध्यम से अपने देश के लिए कुछ मानवंदना दे सकी, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और अपने आज़ादी के अमृत वर्ष में अपने भारत माँ के लिए कुछ अनोखी भेंट वस्तु जो अविस्मरणीय रहेगी सबके लिए, ये मैं दे सकी, बहुत खुशी है। वैसे इसके लिए मुझे बहुत कठोर परिश्रम करने पड़े। ये रिकॉर्ड वैसे दिखता है 6 दिन का, पर इसके पीछे की तैयारी बहुत 2-3 सालों से है। और वैसे जब हम देखा जाए कि तो क्या कैसी तैयारी थी, तो लगभग हार्ड वर्कआउट था मेरा। 14 से 15 महीने तो कंटिन्यू मैं ओवरइजेशन में थी। मेरा दिन सुबह शुरू होता था 3 बजे, और सुबह 4 से 7 मैं योगासन प्राणायाम मेडिटेशन सब करती थी, और सुबह फिर बाद में 7 के बाद 8 बजे से 10 बजे तक मैं जिम में जाती थी वर्कआउट करने के लिए, और फिर 10 से 12 जो भी 12 तक जो भी मेरा है डेली रूटीन वो मैं डाइट लेती थी, फ्रेश होती थी, और 12 बजे के बाद रात को 6 से 7 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी। और जो भी डांस मुझे करना है, जो भी कोरियोग्राफी मुझे करनी है 127 घंटों में, तो वो मैं डांस बिठाती थी खुद से और उसकी प्रैक्टिस करती थी। और उसके लिए भी मुझे बहुत सारी टीम थी, बहुत जिन्होंने सपोर्ट किया। फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे जो है नाना जी वो तो है योग गुरु है, उन्होंने मुझे पूरा फिटनेस का मेरी ट्रेनिंग ली है। मतलब हम अभी देखते हैं कि 127 घंटे में नींद नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, आराम कुछ नहीं है, तो उसमें कैसे करना है। तो फिर जो हमें ब्रेक मिलता है हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक रहता है, तो उसी ब्रेक में जो कुछ हमें फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है या फिर कुछ पावर नैप लेनी है, तो वो मुझे सिखाया गया नाना जी ने, मेरी उसकी प्रैक्टिस ली की, योग निद्रा सीखी मैंने उसके लिए। और हमारे घर में आयुर्वेदाचार्य है डॉक्टर दयानंद जगताप, उनसे हमने ट्रीटमेंट ली लगभग 6 से 7 महीनों से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली, जिसके लिए मैं मतलब हृदय और मेरा जो तंदुरुस्त शरीर है वो फिट करने के लिए, क्योंकि 6 दिन और 5 रात कंटिन्यू हमारा बॉडी चालू रहना ये रिस्क है, तो इसलिए हमने पूरा फिट किया खुद को, वर्कआउट किया। वैसे देखा जाए तो डांस की तो मुझे जो रुचि कहते हैं वो तो बहुत बचपन से ही थी। मैं जब 2.5 साल की थी तब मैंने डांस करना शुरू किया था, और मेरे मम्मी पापा भी टीचर है तो उनके स्कूल से शुरुआत हुई थी डांस करने की, तो शुरुआत वैसे हुई। फिर हमने क्लास ज्वाइन किया, और मैं कथक अभिविशारद हूँ, कथक में डिग्री ले चुकी हूँ, और वैसे सभी डांस फॉर्म्स मुझे आते हैं। लगभग 2012 में दूरदर्शन पे दम दबादम बोल के एक टीवी रियलिटी शो था, उसमें मैं विनर रह चुकी। 2013 और 2014 में कंटिन्यूस अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे एक कंपटीशन था जो इंटरनेशनल लेवल का था, उसमें मैं कंटिन्यूस 2 साल विनर रह चुकी हूँ। और उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं दुबई और हांगकॉन्ग जा सकूँ और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकूँ, और वो जो वर्ल्ड कल्चरल ओलंपियाड जो स्पर्धा रहती है पूरे विश्व की, तो उसमें अपने देश का एक परिचय दे सकूँ, क्योंकि अपने देश की संस्कृति ये है। और फिर उसके बाद बहुत ऐसे कुछ स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन में डांस में मैंने जीते। और फिर लगभग 2021 में 26 जनवरी 2021 में आशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया मैंने, जो था 24 घंटे कंटिन्यू डांस, लावणी डांस। तो वो इसलिए था कि जो भी हमारे डांस फॉर्म्स है इंडिया के, उसमें छोटे मोटे रिकॉर्ड है, पर हमारी जो महाराष्ट्र की लोक कला है, मराठी संस्कृति है या फिर मराठी भाषा है, लोकधारा है, उसमें रिकॉर्ड एक भी नहीं था।
तो तभी मैंने सोचा कि हम लावणी में करते हैं। हालांकि मैं कथक में विशारद हूँ, पर फिर भी हम लावणी में डांस करते हैं, और लावणी जो मतलब मराठी जो लैंग्वेज है उसके लिए भी हम कुछ प्रमोट करते हैं। और फिर उसके बाद मैं टेंथ में सीबीएसई बोर्ड में मैं 99.2 मार्क्स लेके मैं पास आउट हो गई टेंथ में। और फिर इलेवेंथ में अभी साइंस कॉलेज में हूँ, दयानंद साइंस कॉलेज में। और जो अभी ये जर्नी जो थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो बहुत ही अविस्मरणीय जर्नी थी। एक जो सपना था कि कुछ करना है अपने देश के लिए, वो पूरा हो गया। और बहुत मुझे अच्छा लगता है। सच में इसकी शुरुआत तो कोरोना समय से ही हुई थी, जो विचार किया था मन में कि कुछ तो करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है। ये जो सपना था, इसका संकल्प मुझे कोरोना के टाइम पे ही आया था, जब पूरा देश बंद था, हम अपने घर में थे। तो हमारी स्कूल तो होती थी सुबह 11 या फिर 12 बजे तक, तो उसके बाद पूरा दिन खाली रहता था। तो तब सोचा कि अब क्या करेंगे, कुछ तो नया करते हैं। तो फिर तब सोचा कि अब जो डांस है अपनी कला है, कला के माध्यम से कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हम अपने भारत देश के लिए या फिर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ मानवंदना दे सके। फिर तब मैंने सर्च किया, तब मैंने किया आशिया बुक में, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 16 प्लस के लिए ही अलाउड है। 16 इयर्स के पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब 16 इयर्स मुझे पूरे हुए, तभी मैंने ये रिकॉर्ड अपना गिनीज रिकॉर्ड में किया। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि अब तक के इस रिकॉर्ड के लिस्ट में सबसे कम उम्र की लड़की जिसने रिकॉर्ड अपने देश के नाम कराया है, उसमें मेरा नाम है। और ये तो सबके आशीर्वाद की वजह से, और अपने जो भारत माता का प्यार है और देश का सम्मान है, वो मुझे बढ़ाना था और उसमें मैं सफल हो गई। और जो अमृत वर्ष है, आज़ादी का अमृत वर्ष, उसके कालावधि में हमने बहुत ऐसे कार्यक्रम देखे कि जो अपनी आज़ादी के कालावधि से लेके अभी तक अपने देश की पूरी जर्नी बताते हैं। तो उसका एक मेरा भी ये छोटा सा योगदान था कि अपने जो देश की संस्कृति है वो पहले से लेके अभी तक कैसे बढ़ते बढ़ते आई है, कैसे चढ़ती कला में आई है, तो वो पूरे विश्व के सामने रखना है। और ये जो मेरा सपना था कि ये डांस करना है, तो ये मेरा एक कला के लिए सपना था। वैसे तो अभी मेरा जुनून है या फिर जिद है कि मुझे यूपीएससी करनी है। अभी कला जो ऐसे बोलते कि कला मुझ में है, और फिर भी मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मैंने कला को मैंने मेरे पूरे न्याय दिए, ऐसे मुझे लगता है। और अभी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं यूपीएससी के क्षेत्र में आगे बढूं और जिला अधिकारी बन के आप जो भी विश्वास है आप सबका मुझ पे जो वो सार्थ कर सकूं। और जैसे कि टेंथ में मैंने 99.2 मार्क्स लिए हैं सीबीएसई बोर्ड में, वैसे ट्वेल्थ में भी अभी आने वाले एग्जाम में भी वैसे ही सफलता हासिल कर सकूं, इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और बहुत अच्छा लगा इस रिकॉर्ड में, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि अपने भारत देश की बेटी हूँ। इतना आशीर्वाद, इतना सपोर्ट मुझे मिला। ऐसा लगता था कि डांस मैं कर रही हूँ अकेली स्टेज पे, पर पूरा भारत देश मेरे साथ है, मेरे साथ जागा है पूरे 6 दिन के लिए। और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबकी। और कहते हुए मुझे अच्छा बहुत ही आनंद होता है कि करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे तिरंगे की शान बढ़ जाए। करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे तिरंगे की शान बढ़ जाए। भरो पिचकारी ऐसे तीन रंगों की, भरो पिचकारी ऐसे तीन रंगों की, जब कपड़ों पर गिरे तो प्यारा हिंदुस्तान बन जाए, प्यारा हिंदुस्तान बन जाए, प्यारा हिंदुस्तान बन जाए। जय हिंद।